हर जमाने के झूठे ये रिश्ते हजार, जमाने के झूठे ये रिश्ते हजार, लेकिन नहीं कुछ छिपाना मुझे। बजा दो, कोई दिक्कत थोड़ी है। लगा ले प्रभु के सिर पे, नहीं कुछ किस मोड़ पर तेरी शाम हो जाए, कौन जाने किस मोड़ पर तेरी शाम हो जाए, तू आए तुझे ले जाए। तो देखिए दोस्तों क्या कहना है, हर सांसों का तेरी ठिकाना नहीं, ये दुनिया में राजा और नहीं कुछ आप ये छोटा सा प्रसंग श्रवण करने जा रहे हैं। हनुमान जी महाराज जैसे ही लंका में प्रवेश करते हैं, मंदिर प्रतिकर सोगा सोदा देके जयते अग्नि दियोदा, गए दशानन मंदिर माई अति विचित्र गई जात सुनाई, लेकिन क्या देखा, एक भवन ऐसा देखा, भवन एक पुनि दीक सुहावा, हरि मंदिर ते भिन्न बनावा। विभीषण जी का भवन जहाँ पर तुलसी के पौधे लगे हुए, भगवान श्री हरि के आयुध के निशान बने हुए, मन में बड़े प्रसन्न हुए, सोचा ये निस्तरों की नगरी में ये कौन भक्त है। देखिए क्या सोचते हैं, अरे राम दीवाना देख नजारा खो गया, अरे कौन यहाँ पे राम दीवाना हो, मन में विचार किया, बड़े प्रसन्न हुए, खुश हो गया, खुश हो गया राम दीवाना देख नजारा, अरे कौन यहाँ पे राम
दीवाना देख नजारा कौन यहाँ पेरा के साधु संतों से मिलने में कोई हानि नहीं होती, इसलिए विप्र का रूप बनाकर देखिए हम हनुमान जी विभीषण की कुटिया के बाहर उन्होंने भी राम नाम का सुमरण किया। विभीषण जी आए, आपस में हालचाल पूछते हैं। हनुमान जी कहते हैं, आप बड़े साधक लगते हो, आप कौन है? देखिए क्या कहना है। तो कोई साधक है हे बड़ी सादगी, तुमसे मिलकर मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई। विभीषण जी ने कहा, ओ हरि सेवक है या खुद राम जी? आप कौन, भगवान के दूत हो या खुद भगवान हो? और तुमसे मिलने के ये मन हंसा है, हरि सेवक है या खुद राम जी?